नमस्कार, परीक्षाएं नज़दीक हैं, ऐसे में जो मेरिट में आना चाहते हैं और जो पास हो जाना चाहते हैं, दोनों के लिए कम समय बचा है, तो हमारा प्रयास ये हो कि हम ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ला पाएँ। इसके लिए कुछ तरीके हम अपना सकते हैं, जैसे ब्लूप्रिंट के अनुसार अगर हम पढ़ाई करते हैं तो निश्चित रूप से कामयाब होंगे हम, और आसानी होगी पूरे एक किताब को हम कैसे समयबद्ध ढंग से और किस तरह के प्रश्न किस अध्याय से आएंगे इसकी जानकारी रखते हुए तैयारी कर पाएंगे। तो जैसा कि मैं बोल रहा हूँ कि ब्लूप्रिंट के अनुसार तैयारी, तो 12वीं कक्षा में भूगोल विषय की अगर बात करूँ तो इस किताब का 2 खंड है। पहला है भाग ए, जो मानव भूगोल के मूल सिद्धांत हैं। इसके बाद है भाग बी, भारत, लोग और अर्थव्यवस्था। तो 2 भाग में भूगोल की किताब बंटी हुई है, भाग ए और भाग बी। और ख़ास बात यह है कि दोनों ही भाग से 35-35 नंबर के प्रश्न आएंगे, तो कुल 70 अंक का पूर्णांक होगा। और इसमें ब्लूप्रिंट की बात करें तो इकाई 1, जो मानव भूगोल प्रकृति एवं विषय क्षेत्र है, इसमें कुल 5 अंक के प्रश्न आएंगे। और प्रश्नों की बात करें तो अति लघुत्तरी, लघुत्तरी और दीर्घोत्तरी, इसके अलावा नक्शा कौशल आधारित प्रश्न होंगे। तो इकाई 1 में सिर्फ 5 नंबर का प्रश्न आएगा, वो भी 1 प्रश्न होगा और वो दीर्घोत्तरी प्रकार का होगा, जो 1 अंक का होगा। तो इस इकाई से कुल 1 प्रश्न, 5 अंक का दीर्घोत्तरी। तो हमको इसी हिसाब से तैयारी करनी है कि 5 अंक का कौन सा प्रश्न बनता है, पिछले साल इस साल कौन सा प्रश्न आया है, पिछले साल और उसके पिछले सालों में कौन सा प्रश्न 5 नंबर का पूछा है, तो हम उसमें से 1 या 2 प्रश्न की तैयारी करके बड़े आराम से 5 नंबर पा सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं दूसरे इकाई की। इसमें है विश्व जनसंख्या वितरण, घनत्व और वृद्धि, जनसंख्या संगठन, मानव विकास। तो इस इकाई से कुल 10 अंक के प्रश्न आएंगे, और इसमें 1 अंक का जो प्रश्न होगा वो 2 प्रश्न होंगे, 3 अंक का 1 प्रश्न होगा और 5 अंक का 1 प्रश्न होगा। तो कुल प्रश्नों की संख्या होगी इस इकाई से 4 और कुल अंक 10। इसी तरह से इकाई 3 की अगर बात करें, जिसमें प्राथमिक क्रियाएं, द्वितीयक, तृतीयक, चतुर्थक क्रियाकलाप, परिवहन एवं संचार, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, तो इस इकाई से कुल 12 अंकों का प्रश्न आएगा। इसमें 1 अति लघुत्तरी होगा यानी 1 नंबर का, और 2 प्रश्न आएंगे 3-3 नंबर के लघुत्तरी, और 1 होगा दीर्घोत्तरी प्रश्न जो 5 नंबर का। तो कुल मिला के इस इकाई से, तीसरे इकाई से 4 प्रश्न होंगे और कुल अंक होगा 12। चौथे इकाई की अगर हम बात करें तो इसमें मानव बस्ती से कुल 3 अंक के प्रश्न आएंगे, और ये प्रश्न होगा 1-3 नंबर का। तो कुल प्रश्न की संख्या होगी इस अध्याय से 1 और अंक होगा 3। इसी तरह से भाग ए, मानव भूगोल के मूल सिद्धांत में नक्शा कार्य होगा, मानचित्र कार्य होगा, जो 5 अंकों का होगा। तो इसमें पहले भाग में हमने देखा कि कुल 35 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे, और कुल प्रश्नों की संख्या होगी 2, 2, 4, 5, 3, 8, 1, 9, 1, 10। तो इस तरह से हम देखते हैं कि 35 अंक का प्रश्न कैसे पूछा जाएगा। और दूसरे भाग में देखें तो 5वें इकाई में है जनसंख्या वितरण, घनत्व, वृद्धि और संगठन, ये भारत के संदर्भ में, प्रवास, प्रकार, कारण, परिणाम, मानव विकास। तो इस इकाई से कुल अंक होंगे 4। इसमें अति लघुत्तरी का 1 प्रश्न होगा, लघुत्तरी का 1 प्रश्न होगा, तो कुल प्रश्नों की संख्या होगी 2 और अंक होंगे 4। इसी तरह से 6वें इकाई में है मानव बस्ती, तो इस इकाई से कुल अंक जो होगा वो 3 होगा, और लघुत्तरी 1 प्रश्न लघुत्तरी से आता है इसमें, और अक्सर पूछा जाता है कि ये बस्ती का जो प्रकार है, प्रतिरूप है, उसका सचित्र वर्णन करें, या चित्र दिया हुआ रहता है और उसको हमको उसके बारे में लिखना रहता है, उसकी पहचान करके। इसी तरह से 7वें इकाई में भू संसाधन, कृषि, जल संसाधन, खनिज तथा ऊर्जा संसाधन, निर्माण उद्योग, भारत के संदर्भ में नियोजन और सतत पोषणीय विकास। तो इस इकाई से कुल अंक होंगे 10, और इसमें दीर्घोत्तरी प्रकार के 2 प्रश्न पूछे जाएंगे,
और कुल अंकों की संख्या होगी 10, तो 5-5 नंबर के दो प्रश्न पूछे जाएंगे। तो हमको छठवें इकाई से इस बात का ध्यान रखना है कि कौन से प्रश्न 5 नंबर के बनते हैं। इसी तरह से आठवें इकाई में परिवहन तथा संचार, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, इससे कुल अंक होंगे 5 और दीर्घ उत्तरी प्रश्न होगा 1, यानी 5 नंबर का। तो हमको ध्यान रखना है कि भाई आठवें इकाई में हम परिवहन तथा संचार और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से एक प्रश्न आएगा दीर्घ उत्तरी 5 नंबर का। तो 5 नंबर का प्रश्न हम देख लें, इस साल कैसा प्रश्न पूछा था और उसके पहले के सालों में किस तरह के प्रश्न पूछे गए हैं, तो आसानी होगी। इसी तरह से हमारा नौवां इकाई है भौगोलिक परिप्रेक्ष्य में चयनित कुछ मुद्दे एवं समस्याएं, छत्तीसगढ़, लोग और अर्थव्यवस्था। तो इसमें कुल अंक होगा 8, अति लघु उत्तरी प्रश्न पूछे जाएंगे 3, एक एक नंबर के, और एक प्रश्न होगा 5 नंबर का दीर्घ उत्तरी। तो कुल प्रश्नों की संख्या होगी 4 और अंक होंगे 8। तो हमको उसी हिसाब से तैयारी करनी है। और दसवां इकाई नक्शा कार्य है, मानचित्र, जिसमें हम 5 नंबर का मानचित्र कार्य देखते हैं। तो इस तरह से पहले भाग में कुल अंक हुए 35 और दूसरे भाग में कुल अंक हुए 35, तो कुल मिला के पूर्णांक 70 है। तो इस हिसाब से हम अगर ब्लूप्रिंट को ध्यान में रख के और पढ़ना जारी रखते हैं, तैयारी करते हैं, तो बहुत आसानी होगी उन लोगों के लिए भी जो पास होना चाहते हैं, और बहुत ही उपयोगी होगा उन लोगों के लिए जो मेरिट में आना चाहते हैं। तो समय कम है, हम अपनी तैयारी में ब्लूप्रिंट को जोड़कर शामिल करके और बहुत अच्छे अंकों से 12वीं की परीक्षा बहुत आसानी से पास कर सकते हैं। तो हर विषय का ब्लूप्रिंट हम इसी तरह से देख सकते हैं और उसकी तैयारी हम कर सकते हैं। तो आप तैयारी कीजिए, आगे मैं और बताऊंगा कि किस अध्याय से किस तरह के प्रश्न बनते हैं। तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन को दबा लीजिए ताकि नोटिफिकेशन में सबसे पहले आपको मिल जाए। इसके अलावा और आप क्या चाहते हैं पढ़ाई से संबंधित, परीक्षा से संबंधित, तो कमेंट कर सकते हैं। नमस्कार।